Why to make yourself always busy? आज के डेट पे 99% लोग ये चीज़ करते हैं, उनको कुछ ना कुछ चाहिए अपने आप को बिजी रखने के लिए, नहीं तो उनका दिमाग खराब हो जाता है। कुछ ना कुछ चाहिए अपने अटेंशन को बिजी रखने के लिए, उनको कोई गैजेट चाहिए या कोई पर्सन चाहिए या कोई एक्टिविटी चाहिए या कुछ ना कुछ चाहिए जो कि उनके अटेंशन को कंट्रोल कर सके। यानी आपका अटेंशन का कंट्रोल किसी और के हाथ में है। मानो उनको मोबाइल फोन दे दिया जाए तो उसमें वो बिजी हो जाएंगे, और अगर फिर उनसे वो ले लिया जाए तो उनको पता ही नहीं है कि अपने अटेंशन को खुद कैसे कंट्रोल करना है। इसके लिए एक टर्म भी है जो यूज़ की जाती है, ADHD, दैट इज अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इट्स कम्प्लीटली अ डिसऑर्डर। तो इससे क्या होता है कि जैसे कि कुछ भी ऐसा होता है जो हमारा जो भी हैबिचुअल पैटर्न है उससे कुछ हट करके होता है, तो हमें गुस्सा आ जाता है, फटाक से गुस्सा आ जाता है, इट गेट इरिटेटेड फ्रस्ट्रेटेड एंग्री वेरी इजीली। सो अब इसका सलूशन क्या है, हमें अपने अटेंशन को कैसे कंट्रोल करना है? ट्राई करें कि अपने साथ कुछ टाइम स्पेंड करें, बिना किसी मोबाइल फोन के, बिना किसी गैजेट के, बिना पढ़ाई के, बिना टीवी के, बिना किसी पर्सन के, कुल मिला के बिना किसी सपोर्ट के। अब जो उस मूवमेंट में हो रहा है बस उसको देखो, फील करो, अपने आसपास क्या चल रहा है एक स्लो मोशन में उसे अब्जॉर्व करो, तो शायद इस एक्टिविटी से आपका डिसऑर्डर एक्टिविटी कम हो सकता है। धन्यवाद।